बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइन इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। तो आज हम बताएंगे हाउ टू कैलकुलेट सुपर एलिवेशन के स्लोप, कि अगर ये आप देख रहे हैं कि स्लोप्स हैं तो ये स्लोप्स को आपने कैसे कैलकुलेट करना है इन आर डीज के ऊपर, कि आपके पास स्टार्ट आर डी है, एंड आर डी है, तो आपने ये स्लोप्स को कैसे इधर सुपर एलिवेशन के अपने प्लान के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है और मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। तो आप ये देख रहे हैं कि 0+975 से लेकर 1+400 तक 425 की हमारी आउटर साइड की टी आर लेंथ है, इधर हमारे पास -2.5 और इधर हमारे पास मैक्सिमम सुपर एलिवेशन 6% है, और ये दरमियान में पूरा ये ट्रांजिशन जा रही है इसकी। तो ये इस ट्रांजिशन लेंथ को 425 को हमने इधर स्लोप -2.5 से लेकर 6% के ऊपर कैसे लेकर आना है, इसके अंदर पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, मेरे साथ ही रहिएगा। और इसी तरह आप देख रहे हैं कि इनर साइड के ऊपर भी इसकी लेंथ है, तो ये इन लेंथ को, इन सिस्टम को हमने कैसे कैलकुलेट करना है पूरी डिटेल के साथ आप इस चैनल इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आपने इसी तरीके से ये प्लान आपने सामने खोल लेना है, और इधर से आपके पास जो मैक्स एसी जा रही है उसको आपने इधर अपने पास नोट कर लेना है, क्रॉस स्लोप को भी नोट कर लेना है, जितनी भी जा रही है, -2.5 जा रही है या 1% जा रही है, 2% जा रही है, और उसके बाद आपने टी आर लेंथ जो आपके पास दी गई होगी 425, ये आपने इधर नोट कर लेनी है। उसके बाद आपने पैड के ऊपर अपना एक टेबल बना देना है इसी तरीके से, और इसके अंदर सबसे पहला कॉलम हमारा आर डी का आ जाएगा, सेकेंड हमारा डिस्टेंस का आ जाएगा, थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई पर मीटर स्लोप आएगी, स्लोप को हम कैलकुलेट करेंगे, और आखिर में स्लोप एलिवेशन। तो सबसे पहले आपने इधर अपनी स्टार्ट आरडी लिख लेनी है, उसके बाद जितने जितने डिस्टेंस के ऊपर भी आपको उसका सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड है वो आरडीज आपने लिख लेनी है। मैंने इधर 50 फुट मीटर के ऊपर इधर लिख दी है स्टार्ट आरडी, हमने ये ले ली थी, और इसी तरीके से एंड आरडी आपने इधर नोट कर लेनी है, इसके दरमियान जितनी डिस्टेंस नोट करना चाहते हैं कर लें। उसके बाद डिस्टेंस आ जाएगा, पहला डिस्टेंस हमारा 0-0 आ जाएगा, उसके बाद कैलकुलेटर आपने ओपन कर लेना है, और ये जो आपके पास मैक्सिमम आरडी होगी इसके बाद आपने स्टार्ट आरडी से माइनस करके इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना है इसी तरीके से। पहला मेरे पास 25 75 125 175 225 275, और इसी तरीके से लास्ट 425 आ गया। तो आपने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना है आरडीज को माइनस करके, उसके बाद हमने इधर पर मीटर स्लोप इसकी निकालनी है। पर मीटर स्लोप निकालने के लिए हमारे पास इधर हम फार्मूला लिखेंगे, इधर मैक्स एससी मैक्स सुपर एलिवेशन माइनस क्रॉस स्लोप डिवाइडेड बाई टी आर लेंथ। तो टी आर ये हमारे पास होगा मैक्स एससी, हमारे पास 6% है, ये आपने इधर 6% लिख लेना है। उसके बाद मैंने क्रॉस स्लोप आ जाएगी हमारे पास -2.5 है, तो आपने 2.5 कर देनी है, 2.00 है तो आपने 2.00 कर देनी जितनी भी है। उसके बाद आपने आउटर टी आर लेंथ इधर कर देनी है, उसके बाद आपने कैलकुलेटर को अपने ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद 6 - -2.5 का साइन आपने लाजमी लगाना है, और डिवाइडेड बाई आपने टी आर लेंथ कर देनी 425। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 0.0020 पर मीटर स्लोप आ जाएगी इस पूरे डिस्टेंस के ऊपर। तो इधर इसी तरीके से आपने इसके ऊपर आ जाना है, और ये 25 मीटर की पहली आर डी है मल्टीप्लाइड बाई 0.0020 करेंगे, तो ये जो आएगा जवाब 0.5 आपने इधर लिख देना है। इसी तरह 7.5 0.002 1.5 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 0.020 करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, 1.75 मल्टीप्लाइड बाई 0.020 करेंगे तो 3.5 आ जाएगा, इसी तरीके से 225 मल्टीप्लाइड बाई 0.020 करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। तो इसी तरीके से जो जो से भी आपका डिस्टेंस होगा आर डी के सामने उसका आपने पर मीटर के साथ मल्टीप्लाई करके इसका एक इधर स्लोप निकाल लेनी है उस आर डी के ऊपर। तो ये हमारी आर डी की स्लोप इधर आ जाएगी इसी तरह कैलकुलेटर के ऊपर, आप ये देख रहे हैं पूरी इसकी वर्किंग हो रही है सारी। तो आपने सेम टू सेम इसी तरीके से करके एंड तक अपनी सारी इसके स्लोप्स को निकाल लेना है। उसके बाद हमारे पास ये सुपर एलिवेशन स्लोप वाला टेबल है, इधर सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास स्लोप है इधर, जैसे हमने इधर से स्टार्ट किया, अगर हम इधर से स्टार्ट करते तो हमारे पास 6% आनी थी, हमने इधर से इसको 9+7.5 से किया है हमारा स्टार्ट आर डी है, तो इधर -2.50 वाली हमारी आर डी है। तो ये 2.50 वाली जो आर डी होगी इसको आपने सबसे पहले इधर रखना है, और इस आर डी के ऊपर से ये सारी आर डीज हमारी इधर माइनस होंगी। तो आपने इधर -2.5 वाली आर डी को सबसे पहले इधर जो स्लोप आ रही है लिख लेना है, कैलकुलेटर को ओपन करना है, और ये 0.5 - 2.5 कर देना, तो हमारे पास स्लोप आ जाएगी 2%, हम 1.5 - 2.5 कर देंगे तो -1% आ जाएगी, इसी तरह 2.5 - 2.5 कर देंगे तो ये 0-0 आ जाएगा, अदर 3.5 - 2.5 कर देंगे तो हमारे पास पूरा 1 आ जाएगा, इसी तरह 4.5 - 2.5 कर देंगे तो हमारे पास इधर 2-0-0 आ जाएगा, 5.5 - 2.5, और इधर इसी तरीके से स्लोप 3% हमारे पास आ गई, 6.5 - 2.5 करेंगे तो हमारे पास इधर 4% आ गया, इधर इसी तरह 7.5 - 2.5 करेंगे तो 5%, और 8.5 - 2.5 करेंगे तो मैक्स स्लोप आ जाएगी हमारी 6% की इधर तक। तो ये आप देख रहे हैं कि अगर हमने कैलकुलेशन स्टार्ट की -2.5% से लेकर -6% तक, आपने अपनी स्लोप्स को इसी तरीके से कैलकुलेट कर लर्किंग कर
करते हुए आप सारी स्लोप्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने आउटर साइड की थी, आप इनर साइड को भी इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम टू सेम यही फार्मूला आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है और मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, और मेरे चैनल के अंदर और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मौजूद है जिनको देख के आप अपना काफ़ी सारा कंसेप्ट सर्वे और सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड के हवाले से अपना क्लियर कर सकते हैं। तो आपने मेरे चैनल को याद से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, दोस्तों को इन्वाइट कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।